हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश के बाद पानी जमा हो गया। लोगों को आमदरफ्त के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हेवी रेन लैशेस पार्ट्स ऑफ हैदराबाद, यू कैन सी वेरियस विजुअल्स फ्रॉम मेहदीपट्टनम, अतापुर एंड अदर एरियाज। वाटर लॉगिंग एंड हेवी ट्रैफिक जैम ऑल्सो रिपोर्टेड। बेतहाशा ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को और पानी के ड्रेन होने के सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और हर साल मानसून के सीज़न में हैदराबाद के कई इलाकों में टोरीचौकी हो, मेहदीपट्टनम हो, मलकपेट हो और मासाब टैंक हो, लकड़ी का पुल हो, इन सब इलाकों में काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रही है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हैदराबाद के ट्रैफिक सिस्टम को भी बेहतर किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर किया जाए और रेन वाटर को ड्रेन करने का सिस्टम भी जो है उसको मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है ताकि ये सब जो मसाइल पेश आ रहे हैं उस मसलों का खात्मा हो सके और लोगों को सहूलत हो सके। म्यूनसिपल मिनिस्टर KTR को इस जानी फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, GHMC को तवज्जो देने की ज़रूरत है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर ये सब डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे तो हैदराबाद की ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे और जब भी तेज़ बारिश हो रही हो उस मौके पर वाटर लॉगिंग से बचने के लिए बेहतर मेथोडोलॉजी अपना कर ये मसलों को हल करने की ज़रूरत है। मोहम्मद फरजान अहमद की रिपोर्ट हैदराबाद से।